सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हमारी रेगुलर वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, और डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोटक सिक्योरिटीज के रिव्यू के बारे में। इस रिव्यू में कोटक सिक्योरिटी जो एक फुल सर्विस बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर है, उसके बैकग्राउंड, खाता खोलने और मेंटेन करने के शुल्क, ब्रोकरेज चार्जेस, ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, एक्सपोजर, कस्टमर सर्विस और भी कुछ मायनों पर चर्चा करेंगे, जिससे आप अंदाजा लगा सकें कि कोटक सिक्योरिटीज आपके लिए एक उपयुक्त स्टॉक ब्रोकर है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जहां तक बात है कोटक सिक्योरिटीज की बैकग्राउंड की, ये एक फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है, जिसका मतलब है कि आपको काफी तरह की सर्विसेज जैसे रिसर्च रिपोर्ट्स, ट्रेडिंग कॉल्स, बढ़िया कस्टमर सर्विस, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करता है। वहीं सिंस ये एक बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर है, कोटक बैंक का ट्रेडिंग आर्म है, तो आपको 3-in-1 डीमैट अकाउंट भी प्रोवाइड करता है, जिसका मतलब है कि आपका जो बैंक अकाउंट होगा वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट के साथ ऑटो लिंक हो जाएगा। इसमें आपको मैन्युअली फंड्स ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं रहेगी, ये प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाती है। कोटक सिक्योरिटीज 1994 में एस्टेब्लिश हुआ था, तो करीब 3 दशकों से भी ज्यादा समय हो चुका है इसके लॉन्च हुए, तो उस लेवल पे अच्छी खासी ब्रांड ट्रस्ट एंजॉय करता है। तो विश्वास के मामले में कोटक सिक्योरिटीज काफी आगे है अपने क्लाइंट्स के सामने, लेकिन वहीं ये एक एक्सपेंसिव स्टॉक ब्रोकर है, महंगा है काफी मामलों में, चाहे अकाउंट लेवल की बात करें, मेंटेनेंस लेवल की बात करें या ब्रोकरेज की। आगे वीडियो में आप देखेंगे कि अगर आप कंपेयर करें इनको बाकी के स्टॉक ब्रोकर्स के साथ, स्पेशली फुल सर्विस मेनस्ट्रीम स्टॉक ब्रोकर्स के साथ, तो कोटक सिक्योरिटीज आपको डेफिनेटली एक महंगा स्टॉक ब्रोकर दिखेगा। वहीं अगर हम बात करें ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स की, तो अच्छी खासी रेंज दी जाती है आपको निवेश के लिए, चाहे वो इक्विटी, डेरिवेटिव्स, एमएफ्स, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओस, ईटीएफ्स, करेंसी, टैक्स फ्री बॉन्ड्स या हो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इसके अलावा भी बहुत से निवेश के प्रोडक्ट हैं, ऑप्शंस हैं आपके लिए। अगर आप कोटक सिक्योरिटीज के क्लाइंट बनते हैं तो अच्छी खासी रेंज मिलेगी, किसी और फाइनेंशियल ग्रुप का आपको कस्टमर नहीं बनना पड़ेगा। अगर हम बात करें इनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की, तो हर डिवाइस जैसे कि वेब बेस्ड ब्राउजर एप्लीकेशन, मोबाइल ऐप, टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं कोटक सिक्योरिटीज द्वारा। इनके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं और शुरुआत करते हैं इनकी मोबाइल ऐप से। इस रेफरेंस के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं गूगल प्ले स्टोर का। कोटक सिक्योरिटीज की मोबाइल ऐप कोटक स्टॉक ट्रेडर के नाम से जानी जाती है, या KSD भी कहा जाता है। ये ऐप रेटेड है 3.9 पे करीब 10,000 यूजर्स द्वारा, उसमें से करीब 16% यूजर्स ने इस ऐप को नेगेटिवली रेट किया है, जिसका मतलब है कि ओवरऑल सेटिस्फेक्शन स्कोर करीब 84% बनता है, जो इंडस्ट्री एवरेज से थोड़ा सा बेहतर है। वहीं अगर आप इनके फोकस की बात करें, इनके खुद के टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, तो इनका लास्ट अपडेट 26 दिसंबर 2016 को देखा गया था। ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं मई 2017 में, तो अच्छे खासे 5 महीने गुजर चुके हैं इस ऐप को कोई भी अपडेट देखे हुए। जैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि कोई भी बढ़िया स्टॉक ब्रोकर जिसका टेक्नोलॉजी पे फोकस होता है, वो अपनी ऐप को 3 या मैक्सिमम 4 हफ्तों में अपडेट करता है, लेकिन कोटक सिक्योरिटीज के केस में बातें महीनों में होती है, हफ्तों में नहीं। काफी निराशाजनक पॉइंट है यहाँ पे। ये ऐप 1 से 5 लाख यूजर्स द्वारा इंस्टॉल की जा चुकी है, स्पेशली इसका क्रेडिट जाता है कोटक सिक्योरिटीज के ब्रांड नेम को। डेफिनेटली उसके बेस पे ही काफी लोग अकाउंट खोलते हैं और मोबाइल ऐप को डाउनलोड करते हैं। वहीं अगर हमने इनके कुछ क्लाइंट से बात की और चर्चा की कि इनकी जो मोबाइल ऐप है उसमें कुछ कंसर्न्स हैं, तो बताइए, तो कुछ स्पेसिफिक कंसर्न्स सामने आए, जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस के लिए एडवांस्ड फीचर्स नहीं है वहां पे, ये एक लिमिटेशन है। अगर आप एक बढ़िया ऐप को यूज करके इस पर्टिकुलर ऐप को यूज करने आए हैं, तो आपको ये लिमिटेशन साफ साफ दिखाई देगी। वहीं फील्ड लेवल पे बहुत सा डेटा आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता, जिसमें सर्किट ब्रेकर्स, ईपीएस, बुक वैल्यूज, प्रमोटर्स होल्डिंग जैसे कुछ नाम है जो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे इस पर्टिकुलर मोबाइल ऐप के थ्रू। वहीं स्मॉलर इंटरनेट कनेक्शन बैंडविड्थ पे, जहाँ पे इंटरनेट का कनेक्शन थोड़ा सा वीक होता है, ये ऐप चलना बंद हो जाती है। इट्स टफ टू यूज, मुश्किल है इस ऐप को यूज करना, और एक बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही रेयर तरह का सिचुएशन है इस ऐप के साथ, जिसमें जब भी ये ऐप कोई अपडेट देखती है, हालांकि करीब 5 महीने हो चुके हैं पिछला अपडेट हुए, लेकिन फिर भी पास्ट में जब भी कभी भी इस ऐप का कोई अपग्रेड हुआ है,
तो नए बग्स नए इश्यूज इंट्रोड्यूस किए गए हैं, रादर देन क्या होना चाहिए कि जो पुराने वर्जन में प्रॉब्लम थी वो फिक्स होनी चाहिए, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में नए बग्स नए इश्यूज सामने आते हैं। अपडेट फ्रीक्वेंसी साइकिल जैसे हम बात कर चुके हैं उसको इम्प्रूव करना डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब बात करते हैं हम इन बड़े ब्रांड्स की। अगर हम किसी छोटे स्टॉक ब्रोकर की बात करें तो कुछ लेवल तक ये बात समझ में आती है, लेकिन जब बात हो रही है कोटक जैसे बड़े नाम की मोबाइल ऐप जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है आजकल ट्रेडिंग करने के लिए, वो ही अगर अपडेट ना हो तो डेफिनेटली आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कस्टमर सर्विस या कस्टमर क्वालिटी लेवल पे कितना फोकस वो दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इनके बाकी के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में, और उसके लिए हमें जाना होगा adigitalblogger.com की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में आपको काफी तरह के सॉल्यूशंस मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन की, जो काफी लाइट वेट है, किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड या इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, किसी भी ब्राउजर पर जाना है, किसी भी डिवाइस के थ्रू आपको एक्सेस करना है और आप इस पर्टिकुलर स्क्रीन पे पहुंचेंगे जहां पे आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करना है और आप अपनी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। ये एक अच्छा एप्लीकेशन है, डेफिनेटली रिस्पॉन्सिव भी है और लाइट वेट भी है जैसे हमने बताया, और फीचर्स के नाम पे आपको कुछ लिमिटेशन जरूर देखेंगी स्पेशली अपने टेक्निकल एनालिसिस के लिए। वहीं इनके पास एक्स्ट्रा लाइट नाम से एक और सॉल्यूशन भी है, ये वर्क करता है उन एरियाज में उन स्पेसिफिक यूजर्स के साथ जिनका इंटरनेट कनेक्शन वीक है, जहां पे आपको स्लो इंटरनेट कनेक्शन मिलता है। तो एक्स्ट्रा लाइट अपने आप से मोल्ड करता है, लो इंटरनेट कनेक्शन बैंडविड्थ पे अच्छे से चलता है और आपको ठीक ठाक यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है आपकी ट्रेडिंग के लिए। अब सिंस ये एक थोड़ा सा छोटा ट्रेडिंग एप्लीकेशन है तो फीचर्स लेवल पे भी आपको कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं मिलेंगी। वहीं इनके पास अलग से टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है कीट प्रो एक्स, अब भारत में सबसे बढ़िया ट्रेडिंग एप्लीकेशंस में से एक माना जाता है। अब इसमें आपको हर तरह की सहूलियत मिलेगी, स्पीड अच्छी है, टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स चार्टिंग टाइप्स और हीट मैप्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, रिकमेंडेशंस और रिपोर्ट्स मिलते हैं तो आप डायरेक्टली अपना एक जजमेंट ले सकते हैं जल्दी से लेवल पे, और टेक्निकल एनालिसिस पे आपको कुछ दिनों का इंट्राडे लेवल डेटा और हिस्टोरिकल लेवल पे फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आपको 20 से 30 सालों तक का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है। आप इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को पर्सनलाइज भी कर सकते हैं, कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग। तो डेफिनेटली अगर हम कोटक सिक्योरिटीज की बात करें तो ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसको हम सर्टेनली आपको रिकमेंड करेंगे आपकी रोजमर्रा की ट्रेडिंग के लिए। अगर आप कीट प्रो एक्स के बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो हमारे पास एक डिटेल रिव्यू भी मौजूद है जिसमें हमने इनके इंट्रोडक्शन फीचर्स पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स कॉन्फ़िगरेशन जो भी चीज़ें इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है किसी भी पर्टिकुलर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में जानने के लिए वो सब इंफॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल है। ये लिंक भी हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्राइसिंग की, खर्चे की। तो जैसे हमने शुरुआत में आपको हल्का सा आइडिया दिया था कि कोटक सिक्योरिटीज रीजनेबली महंगा है, अकाउंट खोलने के लेवल पे आपको 750 रुपए की राशि देनी होती है और मेंटेन करने के लिए हर साल आपको 600 रुपया भुगतान करना होगा। ब्रोकरेज के लेवल पे डिलीवरी में 0.49% के हिसाब से आपको ब्रोकरेज लगाई जाती है जिसमें आप कुछ ना कुछ लेवल पे नेगोशिएट कर सकते हैं लेकिन ज्यादा रूम नहीं है। अब हम बात करते हैं इनके अलग अलग ब्रोकरेज प्लान्स की और फिर से वापस चलते हैं और adigitalblogger.com की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके पास तीन तरह के अलग अलग प्लान्स हैं, फिक्स्ड, डायनेमिक और एडवांस ब्रोकरेज प्लान। अब फिक्स्ड में कोई प्री कंडीशन नहीं है, जैसे आप अकाउंट खोलते हैं कस्टमर बनते हैं आपको डायरेक्टली ये ब्रोकरेज लगनी शुरू हो जाएगी अलग अलग सेगमेंट्स में। लेकिन अगर आप अपनी ट्रेडिंग बिहेवियर के हिसाब से ब्रोकरेज प्लान चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है जिसमें डायनेमिक ब्रोकरेज प्लान है, डिपेंड करता है कि आपका ओवरऑल टर्नओवर कितना होगा उसके बेस पे आपकी ब्रोकरेज डिसाइड होती है। जैसे ही आपने डायनेमिक ब्रोकरेज प्लान को ऑप्ट किया आपकी पर्टिकुलर जो ब्रोकरेज होती है आपकी टर्नओवर के बेस पे कैलकुलेट की जाती है। जैसे कि अगर आपकी 1,00,000 से कम का टर्नओवर है तो आपकी ब्रोकरेज एक्चुअली महंगी रहेगी 0.59% पे। वहीं अगर आप बढ़ाते जाते हैं और 10 से 25 लाख की रेंज में आते हैं तब आपकी ब्रोकरेज 0.45% के हिसाब से डिलीवरी में लगाई जाएगी। बाकी सेगमेंट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन यहाँ मौजूद है, आप डिटेल में अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं इस लिंक के द्वारा।
इनके पास तीसरा प्लान भी है जिसका नाम है एडवांस्ड ब्रोकरेज प्लान, जिसमें आपको एक इनिशियल लेवल पे कॉस्ट देना होता है, सब्सक्रिप्शन अमाउंट देना होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप 12 महीने की अवधि के लिए 5000 रुपया देते हैं तो उसमें आपकी डिलीवरी की 0.39% हिसाब से ब्रोकरेज कैलकुलेट की जाएगी। बाकी सेगमेंट्स पे भी नज़र आप डाल सकते हैं। प्लान बी में 10,000 रुपये आपको 0.29% के हिसाब से, और फाइनली 2,00,000 के लेवल पे आपको 0.12% के हिसाब से ब्रोकरेज मिल सकती है। अब आपको देखना है कि कितना लेवल का आप प्लान ले सकते हैं, उसके हिसाब से ब्रोकरेज आपको लगाई जाएगी। और आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि ये एक जो भी वैल्यू रहेगी उसमें से आपकी ब्रोकरेज ऑटोमेटिकली डिडक्ट होती जाएगी। ये कॉस्ट जो भी रहेगा ये कोई नॉन रिफंडेबल कॉस्ट नहीं है, एक तरह से रिफंडेबल है, लेकिन आपकी ब्रोकरेज इसमें से डिडक्ट की जाती है। तो डेफिनेटली एक सेफ प्लान है, लेकिन अगर आप इनिशियल डिपॉजिट देने को तैयार हैं तो अलग अलग लेवल पे डेफिनेटली माना जा सकता है कोटक सिक्योरिटीज महंगा जरूर है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी जरूर देता है अपने हिसाब से अपना ब्रोकरेज प्लान चुनने के लिए। वहीं अगर हम बात करें एक्सपोजर की, लेवरेज की, कुछ लोग इसको मार्जिन भी कहते हैं, तो इक्विटी इंट्राडे में आपको ठीक ठाक एक्सपोजर प्रोवाइड किया जाता है 15 गुना, और डिलीवरी में भी आपको 3 गुना तक एक्सपोजर मिलता है। जिसका मतलब है कि अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस में 10,000 रुपये हैं तो आप इंट्राडे में 1.5 लाख रुपये तक की और डिलीवरी में 30,000 रुपये की ट्रेड्स कर पाएंगे। बाकी सेगमेंट्स में भी आपको रीजनेबल एक्सपोजर मिलता है। अब इससे बेहतर स्टॉक ब्रोकर्स भी हैं जो आपको इससे काफ़ी बढ़िया एक्सपोजर देते हैं, और वहीं इससे अच्छे खासे स्टॉक ब्रोकर भी हैं जो आपको ठीक ठाक एक्सपोजर ही दे पाते हैं। अब डिपेंड करता है कि अगर आपका एक्सपोजर नंबर 1 प्रायोरिटी है तो डेफिनेटली आपको इनसे बेहतर वाले स्टॉक ब्रोकर्स को चूज करना चाहिए। इसके बारे में अलग से वीडियोज और आर्टिकल्स जरूर लिखे गए हैं हमारी वेबसाइट पे भी और इस यूट्यूब चैनल पे भी। और अगर आपका एक्सपोजर प्रेफरेंशियल क्राइटेरिया नहीं है तब आपके लिए कोटक सिक्योरिटीज एक ठीक ठाक स्टॉक ब्रोकर माना जा सकता है। अब हम फाइनली बात करते हैं कोटक सिक्योरिटीज के साथ अकाउंट खोलने के फायदों और नुकसानों की। तो पहले फायदों की बात करते हैं। अच्छा खासा ब्रांड नेम है, जैसे हमने शुरुआत में बताया 2 से 3 दशक हो चुके हैं इस ब्रांड को एस्टेब्लिश हुए, और इस पर्टिकुलर समय में इन्होंने अच्छा खासा नाम कमाया है, तो विश्वास लेवल पे क्लाइंट्स के लिए एक बढ़िया स्टॉक ब्रोकर है। आपको अच्छी खासी रेंज भी प्रोवाइड करता है अपने निवेश के लिए, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लेवल पे। आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट चाहिए या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गेन्स, उस लेवल पे आपको दोनों तरह के ऑप्शन प्रोवाइड किए जाते हैं। वहीं अच्छा खासा टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर भी है कीक प्रो एक्स, जो कि हमने आपको डिटेल में बताया, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। वहीं अगर हम कुछ नुकसानों की बात करें तो मोबाइल ऐप की फ्रीक्वेंसी को अपडेट किया जा सकता है। 5 से 6 महीने अगर मोबाइल ऐप अपडेट नहीं होगी तो डेफिनेटली काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहता है। ये एक एक्सपेंसिव, एक महंगा स्टॉक ब्रोकर है हर लेवल पे, तब आपको ये भी देखना होगा कि आपकी पॉकेट के हिसाब से ये ठीक बैठता है या नहीं। इनकी रिसर्च रिपोर्ट्स, अब हमने बात जरूर की है कि ये आपको रिसर्च रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है, लेकिन एक्यूरेसी के मामले में भी ठीक ठाक है, एवरेज से थोड़ा सा बेहतर काम करता है। लेकिन हैरानी वाली बात ये है कि ये रिसर्च रिपोर्ट्स टेक्निकल और फंडामेंटल लेवल पे आपसे चार्ज लेता है। अगर आपको टेक्निकल रिपोर्ट चाहिए तो महीने का 50 रुपये, फंडामेंटल पे भी सेम रेट, और आप सालाना 500 रुपये देके इनकी रिसर्च रिपोर्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको दोनों रिपोर्ट्स चाहिए तब आप 75 रुपये महीना और 750 रुपये साल का दे सकते हैं और ये रिपोर्ट्स ले सकते हैं। किसी भी स्टॉक ब्रोकर, जिसमें फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स या बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर्स आते हैं, जो भी आपको रिसर्च रिपोर्ट्स रिकमेंडेशंस देते हैं, कोई भी चार्ज नहीं करता, लेकिन कोटक सिक्योरिटीज एक एक्सेप्शन है और ये एक डेफिनेटली बड़ा नेगेटिव है इनके लिए। कस्टमर सर्विस की क्वालिटी भी ठीक ठाक है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें। आपकी टर्न अराउंड टाइम, क्वालिटी रेजोल्यूशन का, या एज अ क्लाइंट कितना फोकस दिया जाता है आपके कंसर्न्स को, उस लेवल पे आपको ठीक ठाक सा एवरेज रिस्पॉन्स मिलेगा, तो उस लेवल पे भी बेहतरी की जा सकती है। तो ये हैं अलग अलग मायने जिसमें हमने काफ़ी चर्चा की, इसके बारे में बताया, डिटेल में जानकारी दी है। अब आपको देखना है कि आपके लिए कौन सी प्रेफरेंसेस, आपकी कौन सी एक्सपेक्टेशंस हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, और उसके बेस पे आप इस पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर का चुनाव कर सकते हैं। हालांकि अगर आप कोटक सिक्योरिटीज के एग्जीक्यूटिव से बात करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट के लिंक rdistoblogger.com/kotaksecuritiesopendemat account पर जाइए, अपने डिटेल छोड़िए और हम आपके लिए कॉल बैक सेटअप कर देंगे। वहीं अगर आप अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से किसी स्टॉक ब्रोकर के बारे में जानना चाहते हैं, उनसे कॉल बैक चाहते हैं, तो इस वेबसाइट के दूसरे लिंक rdistoblogger.com/free-call-back-broker-choice पे जाइए, अपनी प्रेफरेंसेस बताइए, डिटेल्स बताइए, और उसके बेस पे हम आपके लिए कुछ कॉल बैक सेटअप करेंगे।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, डेफिनेटली अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिए। आप हमारे चैनल अ डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में और देखने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।